इतना ड्राइविंग करके ला तुम्हारे पैर दबा दू। हाँ मम्मी। हाँ पहुँच गए श्रीनगर। हम लोग पहुँच गए अपने होटल, हम लोग ने चेक इन कर लिया है, थोड़ा रेस्ट करके जा रहे हैं बाहर। व्हाइट अच्छा लगता है लेकिन मैं व्हाइट दुपट्टा तो नहीं आया, प्लाजो लाना भूल गई। और बाकी जो कपड़े हैं वो थोड़े वैसे थे जो हमने ठंड के हिसाब से लिए थे, तो वो हम वहाँ पे पहनेंगे जब हम कल जाएंगे। ठंड तो यहाँ बिल्कुल नहीं है तो इसलिए भी मैंने ब्लैंड में पहन लिया है। क्योंकि सब कुछ बंद है और भूख लगी है तो कुछ कुछ देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ खाने के लिए। समझ आ रहा है कुछ? अभी सब बंद है ना, थोड़ा सूना सा लग रहा है। हम लोग सिर्फ इसलिए निकले हैं आज की ताकि देख लें कल के लिए हमें कहाँ जाना है क्या करना है। नगर में है। बहुत अच्छा, थैंक यू लाने के लिए। ऑर्डर करो जल्दी। उन्होंने बोला उनका स्पेशल है वाजवान, शादियों में खिलाते हैं यहाँ की। इतनी सारी वैरायटीज भी है चटनी की और साथ में रोटी भी। वाजवान के बारे में हमने इतनी सारी बात की लेकिन वो अभी नहीं मिल पाएगा तो हम कभी और खा लेंगे। हम सीजवान खा रहे हैं। सब कुछ बंद है तो ज्यादा कुछ नहीं है, ये शॉप खुली है कुछ आस पास। सोचा चलो देख लेते हैं कश्मीरी कढ़ाई की क्या क्या चीज है। बाहर से आ चुके थे फ्रेंड्स, फिर ब्लॉग एडिट करके डाल दिया। अब भूख लग रही है 11:30 पे तो सनी नीचे देखने गए। कितनी देर से आए? तुम सही बोल रही थी, 10:30 को उन लोग बंद कर देते हैं। हाँ। और बाहर से कुछ ऑर्डर होता नहीं है तो बोल रहा मैं पिज्जा और कुछ चाय वगैरह से भिजवाता हूँ। फ्रेंड्स को बता रही थी कि हम खाना खाने गए थे लेकिन उतना अच्छा नहीं हमारे मन का मिला, क्योंकि पहले उन्होंने उम्मीद दी वो कश्मीरी फूड क्या था सनी, मैं बोलती वजन शाहजान तो वो ऑथेंटिक। हाँ। उनका वहाँ पे फूड था, आपने ब्लॉग में पहले सुना होगा। फिर उन्होंने बोला नहीं मिलेगा, फिर उन्होंने बोला चिकन टिक्का दे दो तो फिर उन्होंने मटन वाला दे दिया। तो ठीक है, संडे था, हो सकता है कि आज उन्हें इतनी प्रिपरेशन ना हो, हमारा इतना पेट नहीं भरा था तो हमने सोचा हम बाद में खा लेंगे। अब यहाँ पे रात में निकलने में पता नहीं लोग निकलते नहीं निकलते, हमने मिक्स्ड बातें सुनी है। हाँ। कोई कह रहा था 12:30 तक खुला रहता। हाँ। है और कोई कहता है कि 10 के बाद मत निकलो मत निकलो। हाँ। तुम्हारी चाय तो आ गई, कश्मीर की चाय पीऊंगी मैं आज। अच्छा आदमी है, मतलब सब कुछ बंद होने के बाद। हाँ। कह रहा है आप पैसे मत दो, मैं मंगा के देता हूँ। मेरा पैसे दे देंगे हम, बात पैसे नहीं है, इतना कौन किसी के लिए परेशान होता है। मतलब यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। मेरा गिर गया इसमें, चाय में डूबा, बिस्किट हो गया, तू तो ऐवे ऐवे लट गया। ये क्या घर भैया, चाय वाय पी लिए फ्रेंड। अब हम लोग कर रहे हैं बहुत सारी बातें, कभी कभी होता है ना इंसान भूल जाता है, बिजी हो जाता है, डिटेल में नहीं कर पाता है, इसीलिए इंसान बाहर निकलता है। हाँ, तो शायद इसी को ही हनीमून कहते हैं, बस यही हनीमून होता है। और बस हम वही सुकून से अपने दिल की बातें, अपने आगे की बातें, अपनी पिछली बातें, अपनी फैमिली इसकी बातें, जो जो दिल में बस वही कर रहे हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। कश्मीर आके कश्मीर वाला रंग तुमने बदल दिया, अच्छी लग रही है। कर लिया था कॉटन में, मतलब ज्यादा बुलंद नहीं है तो हम अभी पहन सकते हैं, यहाँ पे अभी इतनी ठंड नहीं है और मुझे कश्मीर वाला ड्रेस पहनना था। देखिए आज हम लोग ट्विनिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ से चेकआउट करेंगे और आज हम घूमेंगे कश्मीर। हमें यहाँ पे ड्राइवर भैया घुमाएंगे, उसके बाद हमारा जो आज का स्टे है वो होगा डल लेक में, वो नया एक्सपीरियंस होगा बोट हाउस वाला, तो व्लॉग में बने रहिए। और हाँ, फैमिली के लिए शॉपिंग करनी। अब देखिए कोई भी नई जगह जाओ तो फैमिली को भी उम्मीद होती है और हमें भी अच्छा लगता है गिफ्ट देके, तो सबके लिए हम कश्मीरी सूट्स भी लेंगे। कश्मीरी लग रही है, आप यहाँ वहाँ से आएंगे? हाँ जी। वाहिद भाई जो हमारे ड्राइवर हैं वो हमें यहाँ पे लेके आए हैं, एक कश्मीरी की शॉप है, यहाँ पे हैंडवर्क भी होता है और शॉप भी है एक तरह की। फ्लावर्स देख के मैं ज़्यादा खुश हो गई थी, तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। ये क्या बन रहा है? ये सिल्क कापर बन रहा है। ये बड़ा सर बड़ा कापर है। वी मेक कापर्स ऑफ थ्री नेचुरल प्रोडक्ट्स, वन इज वूल, सेकंड इज सिल्क एंड थर्ड इज सिल्क ऑन सिल्क। तो ये उनका कारखाना था, उसके बाद जो शॉप थी हमने कहा वहाँ लेके चलिए तो वो लेके गए। और आप ये देखिए पूरा आउटलेट जो है वो इस तरीके से बनाया, ऐसा लग रहा है किसी का बड़ा बंगला है। यहाँ पे एक अलग ही फील आ रहा था, मतलब रॉयल टाइप का। यहाँ पे कारपेट्स मिल रहे थे और आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है। कारपेट फिर अभी जरूरत नहीं थी और थोड़ा महंगा भी था तो हमने नहीं लिया, हमने कहा हमें ले चलो जहाँ पे सूट एंड शॉल मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये हमारा स्पेशल कोट है, आप इसे ट्राई कीजिए। तो मैं बस ट्राई करके देख रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कश्मीरी चीज़ें, तो इसीलिए मुझे लग रहा था ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ, और फिर फैमिली के लिए भी देखना था तो हमने सबके लिए चीज़ें देखी।
यहाँ पे हमें इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली और बहुत हाई फाई भी था, तो हम यहाँ दूसरे शॉप पे आए थे। यहाँ पे बहुत अच्छी कश्मीरी आर्ट की जो चीज़ें थी वो भी रखी हुई थी। उसके बाद हम आए वो वाली शॉप पे जहाँ हम कल रात गए थे, यहाँ से हमने ये सूट लिया था। और आपका सूट भी पहन लिया उन्होंने कल ही? हाँ, वो पहन लिया, वही पहचान है, माशाल्लाह अच्छा लगा। ये शॉप पे ना बहुत ही अच्छा कलेक्शन था जैसा हमें चाहिए था, प्लस ये जो भाई थे ना वो बहुत ही अपनेपन से हमें ट्रीट कर रहे थे, तो हमें और भी ज्यादा अच्छा लगा। टारगेट होता है जिनका यूट्यूब के बारे में बताया था। फ्रेंड्स, हमने यहाँ से बहुत सारे कश्मीरी जो सूट्स है उसकी शॉपिंग कर ली है और इन्होंने इतने अपनेपन से हमें सब दिखाया है। और सबसे अच्छा कनेक्शन तो ये है कि भोपाल में ये इतने साल रहे हुए हैं, सब कुछ पता है भोपाल के बारे में। हाँ, भोपाल में मैं मशहूर हूँ राजा कश्मीरी के नाम से। ओ, किसी को भी बोलेंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा, एकदम प्योर वाला होगा ये जाफरान। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज्यादा। खोल के देखूं? नहीं नहीं, घर पे ऐसे खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? हाँ, वो उसका वो निकल जाएगा ना। और दुआ में याद रखिए और हम आपसे कॉन्टेक्ट में रहेंगे, अगर कुछ चाहिए होगा तो फिर आप खालिद के नाम से। कश्मीरी सबा इब्राहिम। चलो, कल से हमें वो खाने का नाम याद नहीं हो रहा है। वाजवान ना, वाजवान से ज्यादा फेमस है ना जी। तो ये शॉप वाले भैया ने भी बोला कि वो खाइए। कैसा, अच्छा होता है? वो ठीक होता है, जिसे शादी में होता है ना नॉन वेज। यहाँ शादी में ज्यादा नॉन वेज ही यूज होता है पूरा। चुके हैं अब कुछ खाने के लिए लाल चौक में, जो यहाँ पे बहुत फेमस वाजवान मिलता है कश्मीरी फूड। इधर चले, हम वाजवान के साथ साथ कुछ और भी मंगा रहे थे, लेकिन भैया ने हमें समझाया कि वाजवान ही काफी है, तो कुछ और मत मंगाओ। तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं वाजवान कैसा है। भूख लगी है कि हम यही खा रहे हैं। ये कल्चर है कश्मीरी लोग हैं कि खाने में खाते हैं। ट्राई ले लो, ट्राई। और ये जो मटन बाल पिस्ता है और ये व्हाइट वाला मटन बाल पिस्ता का, बिस्मिल्लाह करते हैं। पनीर है, ये है भैया वाजवान। कैसा है बाकी? अच्छा, बहुत अच्छा। द मोस्ट फेमस कश्मीरी फूड हमने खा लिया, वाजवान, बहुत अच्छा था। नाइस टू मीट यू। सनी ने सफर सफर में ही दोस्ती कर ली। वुडन वॉचेस है और ये देखो छोटू सी चेयर। ये वाला व्यू देखिए आप, कितना जबरदस्त है। यहाँ से निकलेंगे और सामने डल है, ये देखिए सामने डल। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान। शिकारा करने हम बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आए हैं यहाँ पे मुगल गार्डन या फिर शालीमार गार्डन ऐसा कुछ है। वहाँ पे सामने एक शॉप थी तो इस तरह की कश्मीरी चीज़ें मिल रही थी वुडन की, तो हमने सोचा वो भी ले लेते हैं। सारी चीज़ें जो भी ली है ना आपको इकट्ठा बाद में दिखाऊंगी, अभी जस्ट आपको ऐसे दिखाने के लिए क्या क्या चीज़ें मिल रही थी। ये ड्राई फ्रूट का स्टैंड है और वुडन ट्रे भी देखिए कितनी प्यारी थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। और हम आ गए हैं, ये है मुगल गार्डन शालीमार, ये आ गए भाई। अब यहाँ से लेंगे टिकट, चलते हैं अंदर। तो इस वक्त हम हैं शालीमार गार्डन में। ड्राइवर भैया ने बोला कि यहाँ पे जाओ अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे वो नहीं दिख रहा जिसमें अरे है कश्मीरी आउटफिट दिख गया। तो शालीमार गार्डन बहुत ही ज्यादा यहाँ पीसफुल लग रहा है, कलरफुल फ्लावर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, बाकी नॉर्मल जैसे गार्डन होता है वैसे ही है। मेन मुझे यहाँ इसलिए आना था क्योंकि मुझे वो ड्रेस पहन के फोटो क्लिक कराना था, बस देखते मेरा नाप के कपड़े मिल जाए।
ये 190 रुपए का साइज है, ये 240 का साइज है, ये 300 रुपए का साइज है। आपको जो साइज बनाना है उसमें ड्रेस भी साथ आ जाएगा। आप भी? मैं नहीं। प्लीज देखो सब ने पहना है, होना चाहिए ना। पहनेगा ना इसको और क्या करेगा, ऐसा थोड़ी लगेगा अच्छा। ये हुई ना बात, कपल में फोटो खींचेगा वही अच्छा लगेगा ना। कौन सा टोपी? देखो जरा देखो क्या क्या कर रही है, मुझसे भी करवा रही है। आप भी पहनो प्लीज। नीचे चले चलिए, वहाँ जाओ वहाँ जाओ। बड़ा यूनिक कलर दिया। थैंक यू। लगा दी टोपी वोपी का बनवा दिया सब। ये ऐसे ही पहनते हैं यहाँ पे लड़के, जो फंक्शन होता है उस टाइम ये लगा। अच्छा ये लगा, चलिए हटा दो। अरे नहीं हटा दो, फोड़ नहीं चाहिए मुझे ऐसे। अच्छा सर का हटा दो, ऐसे एक फोटो लेने फिर हटा देंगे, याद रहे। चश्मे निकाल के रखे, चश्मे निकाल लो, वहाँ चक्कर है। चश्मे इनके हाथ में देना, फिर आगे रखो। हेलो भाई, अपने साथ में ले एक, उसका एक साथ में पठानी वाला देखे, सिंगल आप पठानी वाला एक इधर रखो। नॉर्मल नॉर्मल में रहो भैया, मोबाइल रखो इधर, नजर इधर, तुम्हारी चक्कर है पता है। आइए आप दोनों एक साथ, हाँ यहाँ पे आप इधर, आप फ्रेंड भाई इधर थोड़ा आ गया, पता चल इधर इधर देखो इधर यहाँ पे देखो। हो गई तो पूरी। इंसान की कोई ख्वाहिश होती है ना, कश्मीर आने का मकसद ये था कि कश्मीरी ड्रेस में फोटो क्लिक करवाना और वीडियो बनाना, बस यही था, इसीलिए गार्डन आई। और इसके अलावा दूसरा कोई काम आपने तो कर लिया। टोपी लगवा दी मुझे, टोपी लगवा दी, देख रहे हो आप लोग, टोपी पहना दी मुझे। चलो अभी चेंज कर लेते हैं। नहीं चेंज ना करो, पहन लो पहन लो, तुम यही पहन के जाओ। भाई डलिया पड़ी, डलिया मेरी डलिया है, मैंने फूल तोड़े, उठाओ उठाओ, लोकल फूल लिए घूम रही, पब्लिक को बेवकूफ बना रही हो, ये लोकल है। अच्छा यहाँ अंदर और भी है, सिर्फ एक ही नहीं एंटर करते साथ, यहाँ पे आएंगे तो और भी सारे हैं। और पहन ले, नहीं भैया बस हो गया, एक बार और पहन, आप पहन लो एक बार। मैं नहीं भी पहन लेते, हमने पहना हमेशा नहीं, देख लिया कैसा है। तो गार्डन में आप तब आ सकते जब आपके पास बहुत सारा टाइम हो, आपने सब घूम लिया हो, आपको सुकून से बैठना हो, बस सिर्फ सिर्फ बैठने के लिए, बैठने के लिए। और या फिर आपको ऐसे मेरी तरह कश्मीरी लुक में फोटो चाहिए तो, या आपके हस्बैंड को आपको कश्मीरी लुक में देखना हो तो, हस्बैंड बेचारा टोपी लगा के पहन रखा हो जाएगा फोटो। चलो बहुत मजा आया, लेकिन इसी बहाने इतना हंस लिया लाइफ में। ड्रेस किसने किसने पहनी होगी भाई, पता भी नहीं, इतना गंदा अंदर था वो, पूरे सफेद सफेद हो, पता नहीं क्या था वो। मुझे जब लाइफ में हंसना बहुत ज्यादा जरूरी, इसी बहाने हमने हंसा, उम्मीद करते आपको भी हंसी आई होगी। उसने वो बादशाह खान ये सही दिख रहा है ना, वो अमिताभ बच्चन के गुरुकुल के पत्तियां उड़ के यहाँ पे, मोहब्बतें वाली है ना, मोहब्बतें वाली। वो भैया ड्राइवर भैया बोल रहे थे कि शिकारा में भी कश्मीरी लोग, तुम पहनना मुझे मत बोलना पहनने के लिए शिकारा में। ये देखिए माउंटेन, ये तो लड़की जा रही है, ये सिर्फ जबरदस्ती मुझसे करवा रही है, कहीं ये पहन लो कहीं वो पहन लो कहीं ये, वहाँ से इन यहाँ से आउट। फोटोज जो है वहाँ पे क्लिक करानी है, और यहाँ गार्डन के बाहर शॉप पे ना आपको फोटो लेनी है। आ गए फोटोज, शाम के 5:30 बज रहे हैं, हम लोग आ गए ये वाले गार्डन से, और अभी हम जा रहे हैं डल लेक की तरफ जहाँ पे हम करेंगे शिकारा राइड। देखिए यहाँ पे लाइन से हाउस बोट बनी हुई है, यहीं पे कहीं हमारा भी होगा जहाँ हम रात में स्टे करने वाले हैं, और यहाँ से शिकारा राइड भी होती है। अलग अलग घाट नंबर दिए हुए हैं, हमें जाना है घाट नंबर 17 पे। यहाँ पे खाने के भी देखिए रंग बिरंगे से ठेले लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं इधर, काफी ज्यादा भीड़ है। ये शिकारा फ्रेंड्स हम देखा करते थे वीडियोस में, और आज फाइनली दिख गए सामने से, फाइनली हम जा रहे हैं अपने शिकारे की तरफ। ये हमारा शिकारा, आगे मजा आने वाला है। अब मैं हमेशा की तरह ये नहीं बोलूंगी डर लग रहा है, थोड़ा तो लग ही रहा है, लेकिन लाइफ में आगे जब ज्यादा सब चीजें नहीं की होती ना, जब वो पहली पहली बार कोई चीज करते हैं तो लगता है डर, क्या कर सकते हैं। जय डर नहीं, डर नहीं, जाओ जाओ भैया, वहाँ पकड़ के लिए गया, घास खाया, घास खाया, आराम से आराम से आराम, जल्दी जाओ, लो आ गया मैं आराम से, जाओ। हम लोग माइक टेस्टिंग कर रहे हैं, तुम भी डर रहे हो, तो निकल रहे हैं टेंडे। तो फाइनली हम माइक ले लिया था, तो माइक का इस्तेमाल तो करेंगे, और फ्रेंड्स बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है।
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो अभी टर्न हो रहा है ना वो। और ये देखिए कितनी सारी हाउस, वो ये नाव चल रही है, ये शिकारा है, इसको शिकारा आती है ना। हाँ देखो लोग, देखो लोग हुक्का ही पी रहे हैं, देखो हमारी गाड़ी चल रही है बहुत तेज। और फ्रेंड्स इतना सुकून, इतना सुकून, मतलब कश्मीर आना। तुम्हें डर नहीं लग रहा है तो फिर किसी को डर नहीं लगेगा। अब मैं घूमूंगी इसमें 4-5 घंटा। अभी पियोगे कावा? ये कश्मीरी कावा है। बहुत अच्छी शिकारा राइड थी, बहुत स्मूथ, ऐसा लगता है इसी में सो जाओ। लेकिन अब हम आ गए अपने हाउस बोट पे। इधर से आ जाओ ना। अरे यहाँ से। नाइस शूज। थैंक यू। अस्सलाम। अब ठीक हो भाई जान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल। ये आपकी तारीफ तो सुबह से सुन रही हूँ मैं। आराम से जाओ, डरो नहीं, तुम डरना बंद कर दो। हाँ बहुत डरती है। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, नाइस यार। चलिए माशाल्लाह, आ जाओ, कम 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 कम। उम्मीद से ज्यादा अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वॉशरूम भी इतना बड़ा, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप पहली बार आए हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कहेगा कि हम बोट में है, हाउस बोट में है और पानी के ऊपर है और इतना बड़ा सारा मिरर। हमने गल्ती करी कि हम जाके होटल में रुक गए, हमें यही रुकना चाहिए था यार। चलो इंसान फर्स्ट टाइम आता है ना हमेशा, तो उसको एक्सपीरियंस मिलता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो सीख पाएगा। हाँ। लेकिन आपको घर बैठे हम सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि जब आप आए तो आप कुछ भी मिस ना करें। ये हमारा हाउस बोट है ना, सिर्फ गार्डन एरिया इसी में है। हाँ। और यहाँ किसी में भी नहीं है, पानी भी दिया हुआ है। तो आके हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लिए, घर वालों से बातें बातें कर ली, इन्फॉर्म कर दिया और अब हम जा रहे हैं अपनी फिर से शिकारा राइड पे, क्योंकि अभी दिल नहीं भरा है। और वैसे भी हाउस बोट में रहने का यही काम है कि मतलब आप शिकारा में घूमो फिर यहाँ पे आके नाइट में स्टे करो। चले चलो चाय पीते हैं शिकारा में, चाय मिलेगी। ये पूरा रास्ता है, लाइन से रूम बने हुए हैं, हमारा सबसे लास्ट वाला है, बाहर से ऐसा है। तो बस अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं कुछ खाने की चीजें यहाँ पे कहाँ मिलती है, यहाँ पे आगे और क्या क्या है वो रहे, काफी घंटों तक आप इसमें घूम सकते हैं। तो जैसा भी होगा जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। यहाँ पे देखिए साइड में आते हैं, अगर आपको यहाँ फोटो क्लिक करानी है तो वहाँ आना पड़ेगा कि आप। मलिका है सुल्तान, हिंद की मलिका सबा इब्राहिम, प्लीज हिम्मत करो, जाओ इसमें अच्छा नहीं आएगा, मुझे कोई फर्क, प्लीज यार हिम्मत तो करो, तुम जाओ ना आराम से जाओ, तुम्हें तुम्हें मुझे हिम्मत ही बनाना है भाई। ये देखो माशाल्लाह, कुछ नहीं हो जाए। अभी हो गया है मैडम का फोटो शूट शिकारे में। हाँ। अब तो नहीं करवाना है, बस हो गया। अभी और करवाना तो बता दो। नहीं नहीं बस हो गया। तो बस अब हम जा रहे हैं अपनी अपने शिकारे पे, बस ओके चले। टाटा। ये असली रूप में अपने आ रही है। यहाँ पे लोकल पब्लिक भी रहती है, पीछे बहुत 22 किलोमीटर की झील है तो यहाँ पे कोई रास्ता तो है नहीं, तो उन्हें जब आना होता है तो लेडीज अपना बोट लेके आती हैं और यहाँ पे अगर मार्केट आना होता होगा और फिर बोट चला के वापस जाती हैं। मतलब फ्रेंड्स आप देखिए क्या अरेंजमेंट है, मतलब यहाँ पानी में बीच में रह के भी आप शॉपिंग कर सकते हो, खा सकते हो, चाय पी सकते हो और जैसे अभी हम खाएंगे फ्रूट। ये आ गए हमारे फ्रूट वाले भैया, ऐसे फ्रूट सैलेड है, हिमालय मैंगो है, हिमालय मैंगो है। यहाँ पे जो बोट मोटर बोट वाला होता है ना वो वाला राइड है। खुद भी खा रही है, मुझे भी खिला रही है, पानी में भी खा रही है। ये पैर में पैर कितने का है? 900 का सेट है। Thank you.
अभी जो फोटो क्लिक कराई है फ्रेंड्स वो आ गई फोन में। बोट में बैठे बैठे शॉपिंग कर लिए, जनी बस जितना कैश था वो खत्म हो गया, अभी आगे जरूरत होगी, इसीलिए पता है हम बोट में बैठ के जा रहे हैं ATM बस आराम से। फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करेंगे, 8 बजने वाला है और सब पूरा उजाला है। आपको फील कैसा आ रही बताइए? मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैं यहीं बस जाऊं, यहीं दुकान खोल लूं, यहीं बिजनेस करूं, यहीं जाऊं। तो एक नाव ले लो सनी, तुम क्या बेचोगे, फ्रूट या चाय? मैं खाना बना के बेच सकता हूं, है ना, यहाँ पे बर्गर पिज्जा ही बर्गर पिज्जा दाल चावल सब बना के तुम बना के देना, मैं बेचूंगा। मैं चलाऊं नाव? क्या मैं चलाऊं? नहीं सनी बनेगा ना, इनकी आदत नहीं है। आप कितने साल से चलाते हैं? मैं बचपन से चलाता। अरे वाह, हम अपने YouTube फैमिली वाले लोगों से भी यहाँ पे मिल रहे हैं, बड़ा मजा आया ये मुझे, मतलब अभी तक का बेस्ट था ये जो डल 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 झील पे आना। सब रात होने लगी है तो देखिए लाइट वाली बोट सनी गए हुए हैं फ्रेंड्स सामने ATM और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। चले चाचा, डर तो नहीं लगा तुम्हें? चले अब हम जा रहे हैं अपने हाउस बोट की तरफ। हम लोग छोटे लेक पे थे, अब हम जा रहे हैं बड़े लेक की तरफ। ये देखिए ये कितना अच्छा है, पूरी मार्केट मार्केट है। यहाँ पे सैलून है, बॉडी मसाज भी आप यहाँ पे करा सकते हो। क्या फ्लोटिंग मार्केट? फ्लोटिंग मार्केट बड़ा है, फ्लोटिंग मार्केट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे शॉप्स भी, सारी शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, नाइस यार, क्या है मतलब कितना अच्छा है यार ये यार। और पानी भी नहीं आता दुकानों में? नहीं नहीं नहीं, देखिए बस बोट यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे जाइए आराम से शॉपिंग करिए। मच्छर बहुत है, मच्छर बहुत काट रहे हैं। एक कॉफी यहाँ पे अभी आ जाएगा हमारा हाउस बोट। चाचा ने हमें पूरा लेक घुमा दिया है, बहुत अच्छे और से। बहुत अच्छे हैं और बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, तुम्हें बोले थे मेरी बेटी है ये। हाँ। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं सुबह, शाम को छोड़ दीजिएगा। ओके जी, चलिए ओके बेटा। डिनर और ब्रेकफास्ट टाइमिंग दी हुई है। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। फोटो आई है, वाह। तो डिनर टाइम हो गया फ्रेंड्स, डिनर कर लेते हैं। चलिए खाना खाने के लिए बाहर डाइनिंग एरिया में जाना है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि कश्मीर जितना हमें अच्छा लगा है इतना आपको भी अच्छा लगा होगा।